मुजफ्फरपुर शहर के माथे पर इंसेफ्लाइटिस का दाग वैसे तो सालों से लगा है, लेकिन इस बार शहर में जो हो रहा उसकी गूंज दिल्ली तक है। बच्चों की मौत का सिलसिला पिछले 15 दिनों से रुक ही नहीं रहा है। पहले यह आंकड़ा दहाई में पहुंचा, तब भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुली। फिर आंकड़ा बढ़कर 25 से 50 हुआ और फिर 50 से 100। और तकलीफ की बात यह कि अभी भी बच्चों की मौत पर राज्य की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री की चुप्पी ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में बच्चों की मौत को नेता कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। नीतीश कुमार इन बच्चों को भविष्य का वोट बैंक ही समझ लेते तो आज इनकी जान बच गई होती। लेकिन जान कैसे बचे? ना तो अस्पताल ठीक है, न डॉक्टर है, न दवाई है और न आईसीयू की सही व्यवस्था है। माँ बाप के कलेजे के टुकड़े सिर्फ दुआओं से जी नहीं सकते, तो अस्पताल में भी इनके हिस्से सिर्फ मौत ही आती है। मुजफ्फरपुर के लगभग सारे अस्पतालों में मौत का तांडव मचा हुआ है। एक बच्चे की लाश अस्पताल से निकलती है तब तक दूसरे बच्चे दम तोड़ने लगते हैं। कहीं बेड पर दो बच्चों का इलाज हो रहा है तो कहीं तीन बच्चों का, लेकिन इन बातों पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। कहने को मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन फिलहाल क्रिकेट की दुनिया में मगन है। मैनचेस्टर में हुए मैच की पूरी जानकारी है, लेकिन मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर उन्हें चुप्पी के सिवाय कुछ भी पसंद नहीं। मई में खत्म हो चुके चुनाव की धुन अभी भी अश्विनी चौबे के माथे पर सवार है। अब तक जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर पहुंचे, सवालों का जवाब देना था, बच्चों की मौत पर क्या कहेंगे, उन्हें नींद आने लगी। मुजफ्फरपुर से निकली हुई चीख अब एक नई शक्ल में बदलती चली जा रही है। नीतीश कुमार सियासत के बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, हो सकता है सियासत को भांप कर वो पार्टी बदल लेते हों, लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना उनके सियासी दामन का सबसे बड़ा दाग साबित होगा, क्योंकि बच्चों की मौत किसी एक पीढ़ी के शुरू होने से पहले उसके खत्म हो जाने की कहानी है।